यहाँ पर शादी विवाह चल रहा है और इनके देखिए कपड़े में पूरी बांध दिया गया है, देख रहे हैं। मजा लेने के लिए, मस्ती करने के लिए ऐसा शादी विवाह में किया जाता है। तो दोस्तों ये है मार्कंडेय महादेव जी का मंदिर, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इस समय शादी विवाह का चल। राम राम दोस्तों, नमस्कार, हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे दोस्तों। तो मैं आया हूँ मार्कंडेय महादेव जी कैथी, और कैथी में हमारे मामा जी की लड़की की शादी है। तो आप लोग को दिखाएंगे कैथी में, मतलब कि मंदिरों में कैसे शादी विवाह किया जाता है। और आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और मैं ये बता दूँ कि मैं वीडियो डालता हूँ, आप लोग दोस्तों वॉच टाइम पूरा नहीं करते हैं, मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा है, तो आप लोग जाकर हमारे वीडियो को वॉच टाइम करिए, ताकि वॉच टाइम पूरा होने से हमें कुछ आप लोग की सपोर्ट से मुझे आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। मैं यही कहूँगा आप लोग से। और मैं इस टाइम हूँ रास्ते में हूँ, यहाँ पर शादी विवाह है, कितने लोग की पूजा पाठ है, कथा है, कितना लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, चलिए मैं आप लोग को दिखाऊँगा। और हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो इस साइड में है पार्किंग है, जो कि जो भी चार्ज लगता है दिया जाता है, और ये आने के लिए रास्ता है, और ये मंदिर के ठीक सामने जाएगा, मतलब मेन रास्ता यहीं से है, इस साइड से भी जा सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं फूल माला प्रसाद, आपको नारियल चुनरी सारा सामान यहाँ पर सामग्री मिल जाएगा। और यह बहुत बड़ा, मतलब कि इतिहास काल से यह जुड़ा हुआ है मंदिर, और यहाँ पर शादी विवाह किया जाता है। और देखिए ये श्री गोस्वामी तुलसीदास जी स्मृति द्वारा, मतलब मार्कंडेय महादेव जी का ये मेन दरबार है, इसी के रास्ते से हम लोग अंदर चलेंगे। जो धाम है यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी इसको दिखाया गया है, और बहुत ही चमत्कारी महादेव जी माने जाते हैं। बहुत ज़्यादा भक्तों का भीड़ लगा हुआ, और शिवरात्रि के दिन तो चार चार पच्चीस घंटे तक हो जाता है, लाइन में खड़े होने के बाद ही जाकर महादेव जी की दर्शन मिलते हैं शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि के दिन तो हम तो गए थे अपना वाराणसी में पशुपत यात्रा करने के लिए, जिससे काफ़ी भ्रमण बोला जाता है। ग्यारह तब मैं चलूँगा दर्शन करने के लिए, जो हमारे पीछे सभी लोग हैं, हमारे घर के हैं, हमारे फैमिली के लोग हैं। और यहाँ पर जो बना हुआ है छाजन टाइप बना हुआ है मकान का, ये देख सकते हैं, इसी के अंदर सभी लोग का शादी विवाह किया जाता है। और उधर साइड में देख रहे हैं पूजा पाठ किया जा रहा है, और कितने लोग का हो गया है, इधर खाना बन रहा है, इधर लोग वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं लोग, देख रहे हैं हमारे फैमिली के लोग हैं। प्रात आने में समय है, इससे पहले मैं चलूँ गंगा जी से दर्शन कर लूँ और प्रणाम कर लूँ। तो ये धाम से कुछ ही दूरी पर ये है गंगा जी हैं, चलूँगा मैं वहाँ पर प्रणाम करूँगा। और देख सकते हैं इधर भी चढ़ाने के लिए सारा सामग्री यहाँ पर मिल जाएगा आप लोग को, आऊँ गंगा घाट पर। और यहाँ पर भी आप लोग को साइबेरियन देखने के लिए मिलेगा, और वाराणसी में भी मिलेगा आप लोग को देखने के लिए। और ये सब सेब वाला जो नमकीन होता है ना, वही सब लोग ज़्यादा खाती हैं, जैसे देख सकते हैं उस साइड में ज़्यादा हैं। और यहाँ पर सभी लोग नहा धो रहे हैं अच्छे से, चलेंगे हम भी गंगा जी को प्रणाम करेंगे, और काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों ये गंगा माता की। नहा धो लिया हूँ, फिर भी मन को संतुष्टि मिल जाएगा कि गंगा जी को प्रणाम किया हूँ। अरे गंगा माता, हमारे चैनल को ग्रो करिए, आप लोग भी जाकर सपोर्ट करिए, मैं आप लोग से यही कहूँगा, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। आप में बरात जो अभी आ रही है, और इधर सब लोग तैयारी में हैं, सभी लोग देख सकते हैं ये ठीक सामने है।
दोस्तों यहाँ पर शादी विवाह का कार्यक्रम चालू हो गया पानी पिलाने के बाद। ग्यारह मार्च और 11 मार्च के दिन यहाँ मरकंडे महादेव जी पर शादी हो रहा है, हमारे मामी के लड़की का हो रहा है दोस्तों। तो थोड़ा बहुत आप उसको वीडियो देख ही लिए होंगे दोस्तों, तो ये भी पूरा कर लीजिएगा। और यहाँ पर कार्यक्रम जो शादी विवाह का बैठा हुआ है, और उधर की तरफ लड़की वाले हैं, इधर की तरफ कुछ लड़के वाले भी हैं, मतलब कि रिलेशन में ही शादी विवाह हो रहा है। सब किचन का सामान है, और पापा यहाँ पर शादी विवाह चल रहा है। और इनके देखिए कपड़े में पूरी बांध दिया गया है, देख रहे हैं, मजा लेने के लिए, मस्ती करने के लिए ऐसा शादी विवाह में किया जाता है। देख सकते हैं एक वहाँ पर शादी विवाह किया जा रहा है, और एक यहाँ पर भी किया जा रहा है, एक यहाँ पर भी, तीन हो रहा है। और अदर भी जगह मतलब बना हुआ है, वहाँ पर भी सभी लोग का किया जाता है। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। तो दोस्तों सभी लोग जा रहा मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों ये है मरकंडे महादेव जी का मंदिर, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस समय शादी विवाह का चल रहा है, और यहाँ पर सभी लोग को दर्शन कराने के लिए, गोट पराने के लिए यहाँ से ले जाया जा रहा है। चलिए दोस्तों हम भी चलते हैं, दर्शन करते हैं, और आप लोग को भी दर्शन कराएंगे अगर वीडियो बनाने देंगे तो। ये है दरबार, जय जय महादेव, हर हर महादेव। सिया राम जय राम जय जय राम, जो कि वहाँ पर है महादेव जी विराजमान है, और यहाँ पर पंडा लोग बैठे रहते हैं पूजा पाठ कराने के लिए, शादी विवाह हो गया उसके लिए। तो देख सकते हैं लोग आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर भक्तों की लाइन लगी हुई है, देख सकते हैं। जय मरकंडे महादेव जी चलो। लोग ने दर्शन कर लिया होगा मरकंडे महादेव जी का, वहाँ पर दो शिवलिंग है, एक छोटा सा है जो कि मरकंडे महादेव जी, जो कि इसका स्टोरी में, इसके पहले मैं वीडियो एक बनाया हूँ, अगर देखूंगा तो मैं स्टोरी डालूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं, इन डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। बहुत ही अच्छा लगा दर्शन किया हर हर महादेव, ओ नमस्कार। अभी चलेंगे, अभी बहुत से कार्यक्रम बाकी है। तो दोस्तों ये है उमराहा का सर्वदेव मंदिर, जो कि काफ़ी भक्त लोग यहाँ पर भी अभी नए में मतलब खुला हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा भक्तों का भीड़ यहाँ पर लगा रहता है। देख सकते हैं शाम के टाइम पर यहाँ पर पर्यटक जैसा भीड़ लगा रहता है दोस्तों। जो आप लोग को दिखाए होंगे शादी विवाह चला हुआ है, तो आप लोग को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आप लोग इस तरफ सेल्फी बॉय को सपोर्ट करते रहिएगा। जय श्री राम।